टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। देखो जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उसमें दो किस्म के सेमीकंडक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक का मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। तो अगर आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है जो बिल्कुल प्योर है, प्योर का मतलब आप एक लेके आए सेमीकंडक्टर, मेरे पास पीस लेके आए, मैंने बोला क्या है, आपने बोला सारे के सारे एटम देख लो खोल के, सब जर्मेनियम के मिलेंगे, एक भी एटम किसी और एल्यूमिनियम फॉस्फोरस का नहीं मिलेगा, प्योर का प्योर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक और स्टूडेंट आया, उसने कहा सर ये सेमीकंडक्टर पकड़ो सिलिकॉन का बना हुआ है, सारे सिलिकॉन है, मैं दो चार एल्यूमिनियम के एटम फिट किए हुए हैं इसके अंदर, वो इम्प्योर हो गया मेरे लिए, चाहे एक भी एटम इम्प्योरिटी है फॉरन है, इसका मतलब वो इम्प्योर है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कुछ नहीं है, फ्री ऑफ एवरी इंप्योरिटी, इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इज टोटली गवर्न्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे गवर्न करती है, कितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटने का मतलब आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड, दे आर फ्री टू मूव। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, उतना ही दे आर फ्री टू मूव, और जितना वो फ्री टू मूव है उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बढ़िया है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओ और टेम्परेचर से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करो और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, करंट कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड टूटे, कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में गए, उस पर गवर्न करती है, बस। सही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सही है। लेकिन एक्सट्रिंसिक की किस पर गवर्न करती है वो मैं आपको बताता हूँ। टेम्परेचर पे तो करती करती है, लेकिन एक और फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगी, इम्प्योर पे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब वो कह रहा है कि इसमें प्योर जर्मेनियम है, देखो हर एटम जर्मेनियम ही जर्मेनियम है, तो ये क्या है, इंट्रिंसिक है। वो क्या डायग्राम है उसको बाद में डिस्कस करते हैं अभी, लेकिन उससे पहले इसके अंदर ये डिस्कस करते हैं कि एक्सट्रिंसिक क्या होता है, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी क्या लिखा हुआ है पहले एक्सट्रिंसिक पढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक ऐसा नहीं है कि एक्सट्रिंसिक बना बनाया मिल गया मेरे को, कि मैंने दो पीस धरती से निकाले, अर्थ से निकाले, अरे ये तो प्योर निकला है, अरे ये तो इम्प्योर निकला है, ऐसे नहीं है। निकलता तो सिलिकॉन ही है, निकलता जर्मेनियम है, उसमें जबरदस्ती जान के डेलिबरेटली हम डोपिंग करते हैं, जान के इम्प्योर बनाते हैं, क्योंकि जो इम्प्योर हम बनाएंगे उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, हमें फ़ायदा होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जब उल्टा है, डोपिंग करने से फ़ायदा होगा इसमें। अब डोपिंग करने से वो इम्प्योर बन जाएगा, पर डोपिंग कैसे करनी है उसका ध्यान रखना है, इसलिए उसने क्या कहा, पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल। जब आप डोपिंग करेंगे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे पहला, जो भी आप डोपेंट डालेंगे, इसमें डोपिंग का एटम डालेंगे, मान लो आपने सिलिकॉन का हटा दिया और एल्यूमिनियम का डाल दिया या कोई और एटम डाल दिया, अब पता लगे ये एडजस्ट ही नहीं कर रहा, इसका साइज ही बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू बाकी एटम, तो ये डिफेक्ट है, ये पॉइंट डिफेक्ट है इसका, तो ये चलेगा नहीं इसमें, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एडजस्ट ही नहीं कर रहा यार, दोस्ती ही नहीं कर रहा, बॉन्ड ही नहीं बना रहा, तो करोगे क्या इसको डाल के, ये बॉन्ड ही नहीं बना रहा, तो ऐसे तो आप हजार खाली कर दोगे तो बिल्कुल वॉइड ही क्रिएट हो जाएगा, उल्टा जो सिलिकॉन था उससे भी गए, तो ये भी काम नहीं करेगा, ये भी डिफेक्ट है इसके अंदर। आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं, लैटिस का डिफेक्ट है, आपने सिलिकॉन तो निकाल लिया, बदले में कोई डाला ही नहीं, तो खाली कर दोगे पूरा सिलिकॉन, वॉइड ही वॉइड हो जाएगा, तो ये भी गलत है। ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लस टू की क्लास है, सारे प्लस टू के स्टूडेंट हैं, इसके अंदर क्लास में प्लस वन का स्टूडेंट तो एडजस्ट हो जाएगा, वो आपकी बातें समझ लेगा, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी एडजस्ट हो जाएगा, पर आप कहोगे एक नर्सरी का बच्चा बिठा देते हैं तो डिफेक्ट है, तो वो एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको जी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को जो 10 साल से पास आउट है और ये इसके ऊपर पूरी मास्टरी कर चुका है उसको बिठाते हैं, वो कहेगा मेरे को ना पढ़ाओ यार ये सब कुछ, मुझे आता है, वो एडजस्ट नहीं होगा आपके साथ। तो पॉइंट समझ में आता है, डोपिंग उनके साथ की जाती है जिसमें आपको पता ना लगे ये डोपिंग हो गई है, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो मिलते जुलते के साथ होगी, तो ये डिफेक्ट्स का ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बस वैसे बता रहा है। तो डोपिंग क्या चीज़ है, इज अ प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स टू अ प्योर सेमीकंडक्टर ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव किया जा सके, इज डोपिंग। और डोपिंग इतनी भी नहीं होनी चाहिए, प्लस टू के स्टूडेंट बैठे हैं 50, मैंने कहा चल डोपिंग करेंगे, 25 उठो यहाँ से, 25 जाओ प्लस वन के 25 बच्चे बैठा दो, अब ये क्लास किसकी है, प्लस वन की प्लस टू की, पता ही नहीं ये कैसी डोपिंग है। अब ये मतलब एल्यूमिनियम, आधे एल्यूमिनियम डाल दिए कि किसी ने कहा था बढ़िया हो जाएगा सिलिकॉन, आधे सिलिकॉन रहेगा, अब उसको एल्यूमिनियम का नाम दोगे कि सिलिकॉन का दोगे, नहीं पता। तो इसलिए डोपिंग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक एटम होता है 10 की पावर
10 एटम में, तो कुछ ज़्यादा ही कम है, पर इतनी की रहती है डोपिंग, ताकि उसकी बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहे जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का था। ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर ये कुछ नहीं है, एक्सट्रिंसिक पे आते हैं, डोपिंग पे क्वेश्चन नहीं आते, मतलब वैसे वार्न कर रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा मत करना। तो अभी क्या है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोपिंग से बनेगा, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर फॉरेन इम्प्योरिटी एटम डाल दिया जाएगा तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। अब क्या डालेंगे उस पर डिपेंड करता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो किस्म के हैं, इंट्रिंसिक तो प्योर था वो तो बात ही खत्म हो गई, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर दो किस्म के हैं, या तो वो बनेगा एन टाइप या वो बनेगा पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है यहां तक? तो एन टाइप पी टाइप क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक है, जो कैसे बनता है, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन, इन विच ईच सिलिकॉन एटम हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, इज डोप्ड विद अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट एटम। तो इसमें हम एक ऐसा एटम डालेंगे जिसके पास पांच फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सिलिकॉन के पास तो चार 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 हैं, पर हम ऐसा डालेंगे जिसमें पांच फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पांच इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या फायदा होगा? ये देखो, ये फायदा होगा, ये दिखाता हूँ स्ट्रक्चर में, देखो इसके पांच में जैसे सिलिकॉन 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 आर्सेनिक डाल दिया, आर्सेनिक के पास पांच होते हैं, चार के साथ तो ये बना गया बॉन्ड, क्योंकि ये तो एडजस्टेबल डोपिंग कर रहे हैं हम, तो ये एटम एडजस्टेबल है इसके साथ, तो चार के साथ तो बॉन्ड बना गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू बच गया। ऐसा नहीं कि ये फ्री टू मूव है, कंडक्शन बैंड में चला गया है तो कहीं भी घूमेगा नहीं, रहेगा तो आर्सेनिक के अंदर, पर बॉन्ड नहीं बनाया, मतलब कि घूमेगा तो आर्सेनिक के आसपास ही है, तो उसका एटम का पार्ट, लेकिन बॉन्ड नहीं बनाए हुए, बस समझो फ्री जैसा ही है, तो फ्री भी नहीं है और फ्री जैसा है। इतना सा भी आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सबसे पहले आर्सेनिक का ये फ्री इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा कंडक्शन बैंड में, ये तो ऑलमोस्ट फ्री ही फ्री है, बस भाग नहीं रहा, कंडक्ट नहीं कर रहा, हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज करते ये सबसे पहले कंडक्ट करना शुरू कर देगा, बाकी तो बॉन्ड तोड़ के करेंगे, क्योंकि बाकियों में तो एनर्जी भी लगेगी बॉन्ड तोड़ने की, इसे तो बॉन्ड भी नहीं बनाया, तो इसको तो इतनी सी एनर्जी भी मिल गई, ये फ्री हो जाएगा और कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फायदा हो गया, जो पहले नहीं हो रहा था प्योर में, इम्प्योर में फायदा हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे कि मैंने 1000 डोपेंट डाल दिए तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन फटाफट सबसे पहले तैयार हो जाएंगे बिना बॉन्ड तोड़े, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका नाम एन टाइप है, तो कई लोग सोचते हैं एन टाइप है, तो ओवरऑल इसके ऊपर इसलिए एन टाइप है क्योंकि इसके ऊपर फालतू इलेक्ट्रॉन है, फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा पूरे सेमीकंडक्टर के ऊपर? ओवरऑल चार्ज क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा। एन टाइप तो नाम है इसका, ये न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है जबकि फालतू इलेक्ट्रॉन है? अच्छा ठीक है, इसको और बढ़िया तरीके से समझते हैं। मेरा नाम सिलिकॉन है, ठीक, भगवान ने मेरे को पैदा किया सिलिकॉन के नाम से, और मेरी जेब में 4 रुपए हैं, ठीक, मेरे लॉकर में कितने हैं वो निकलेंगे नहीं क्योंकि वो इनर शेल में है, हाँ निकलेंगे सिर्फ यहीं पे हैं 4 रुपए, चोरी करना है तो फिर एक्स रे भी निकलाएगी उसमें, तो ठीक वो नहीं है, तो 4 रुपए हैं और मैं बैलेंस जेब में 4 रुपए लेके घूमता हूँ। ऐसी एक आप सब सिलिकॉन है, आपका नाम भी सिलिकॉन है, आपकी जेब में भी 4 रुपए ही हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, भाई भगवान ने आपको बनाया सिलिकॉन है, 4 रुपए लेके घूम रहे हो। अब मैंने डोपिंग कर दी, एक बच्चा बुलाया, मैंने कहा चल तू आ जा आर्सेनिक, तू बैठ जा यहाँ पे, आर्सेनिक बैठ गया, इसके पास कितने थे? 5 रुपए थे, भाई नेचर 5 है। तो मैंने पूछा इससे सिलिकॉन से, भाई तू न्यूट्रल है? कहता हाँ जी 4 रुपए हैं जेब में, 4 ही हैं, मैं न्यूट्रल हूँ। मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ मैं भी सिलिकॉन हूँ न्यूट्रल हूँ। आर्सेनिक से पूछा, वो कहता जी 5 रुपए हैं, 5 रुपए ही हैं, न्यूट्रल है भी, मैं तो न्यूट्रल 5 को ही मानूंगा ना, मैं अगर मेरे आपने 4 कर दिए तो फिर मैं तो डेफिशिएंट हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आर्सेनिक के पास 5 रुपए थे, वो तो न्यूट्रल है, और सिलिकॉन के पास 4 रुपए होने चाहिए, तो 4 में न्यूट्रल है, तो ओवरऑल यानी कि पूरा स्ट्रक्चर न्यूट्रल न्यूट्रल है। तो ये ना सोचें कि ओवरऑल फालतू आ गया, पहले से फालतू आ गया, पहले से तो कितने मर्जी आ जाए, अभी आप देखो कि एट प्रेजेंट एटम बाय एटम देखो वो न्यूट्रल है, तो ओवरऑल इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ओवरऑल क्या होगा ये न्यूट्रल ही रहेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ओवरऑल ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक,
वहीं पड़ी टेबल पे, ठीक पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर इसका नाम एन टाइप क्यों है? सोचने वाले फिर एन टाइप क्यों है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका नाम एन टाइप क्यों है, सोच समझ के अंग्रेजों ने रखते ऐसे रखा हुआ, ठीक पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ, ये कह सकते हो फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो एन टाइप नाम रख दिया इस पर, कह सकते हो एक तरीके से, बट पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में क्या, कि क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? और जिसको पता ही नहीं वो कहेगा हाँ जी एन टाइप में नेगेटिव होते तो होता है, नहीं होता, उनके क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं अब पी टाइप की, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या हुआ? जो एन टाइप है वो पेंटावेलेंट डाल के डोपिंग से बना, जो पी टाइप है वो किससे बनेगा? वो ट्राइवेलेंट का डालो, ट्राइवेलेंट जैसे कि इंडियम बोरन एल्यूमिनियम, जिसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तीन इलेक्ट्रॉन का फायदा, तीन इलेक्ट्रॉन का ये फायदा कि सिलिकॉन 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 के पास क्या है, चार है, सिलिकॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम जर्मेनियम के पास चार है, आपने इंडियम डाल दिया इसके पास तीन है, तीन के साथ ये बना गया बॉन्ड, एक रह गया खाली, खाली का मतलब क्या क्रिएट हो गया, होल। होल का भी फायदा है, हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये कहेगा अच्छा चल मैं तो बॉन्ड तोड़ता हूँ, मैं इसके ऊपर जाके बैठ जाता हूँ, अपनी जगह क्या कर गया, होल। फिर ये कहेगा अच्छा होल मेरे पास होल आ गया, ये फ्री होगा और होल पे जाके बैठ जाएगा, तो होल की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो इनके एटम्स के अंदर वैलेंस बैंड में होल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो गई, और होल्स की मूवमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो यहाँ पर होल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, जिसका नाम क्या हुआ, पी टाइप से। तो ओवरऑल ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे, वही सेम रूल, ये चार चार रुपए वाले हैं और ये तीन रुपए वाले, ये कहता है जी तीन, मैं क्या करूँ, भगवान ने बनाई तीन रुपए के साथ है, तीन इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस, अब मैं तो न्यूट्रल ही हूँ ना, तुम कह रहे हो कि डेफिशिएंसी है, वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुमने सिलिकॉन जर्मेनियम हटाया तो डेफिशिएंसी, अदरवाइज मैं तो न्यूट्रल ही हूँ, तो ओवरऑल ये भी क्या रहेगा, न्यूट्रल। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई चार्ज नहीं होता इन पर, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। अब इसी को एनर्जी लेवल से समझते हैं, जो पेपर में आएगा वो एनर्जी लेवल से आएगा। तो एनर्जी लेवल से कैसे आएगा इसको एक बार समझते हैं। देखो मैं तीन केस ले रहा हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इसके अंदर सपोज करो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, अगेन कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है यहाँ तक? तो ये तीन क्यों बनाए? पहला डायग्राम मैंने बनाया इंट्रिंसिक प्योर, दूसरा बनाया एन टाइप, तीसरा बनाया पी टाइप। इनका एनर्जी लेवल देख लें क्या होगा। देखो सबसे पहले रूल नंबर वन, कि अगर आप बात करते हो किसकी, प्योर सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक की, तो इंट्रिंसिक के अंदर ये एनर्जी लेवल्स हैं। सपोज करो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, मान लो पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग थी, या पांच या सात है, जितने भी हैं, मैंने टेम्परेचर जीरो केल्विन पे, ऐसा था, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसमें ना तो कोई डोपिंग हो रखी है, कुछ नहीं हो रखा, ये बाय नेचर ऐसे ही है, ठीक है, सारों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, सिलिकॉन 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 सारे हैं, तो ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें दिया हुआ है, ना फ्री होल दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसमें से उठ के तीन इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, तो अब यहां पर क्या चले गए, इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या बना गए, होल्स बना गए। तो यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर तीन होल्स हैं। तो रूल नंबर वन, प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन में जाएंगे उतने होल्स नीचे क्रिएट करके जाएंगे। तो अगर तीन इलेक्ट्रॉन गए तो तीन होल्स क्रिएट होंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, इसके अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते थे ये टर्म, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन के, एंड किसके अंदर, इन किस, कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्शन बैंड
इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन वैलेंस बैंड, इनका अमाउंट क्या रहेगा एग्जैक्टली सेम. रूल नंबर वन क्लियर, ठीक है यहां तक. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ही वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी. क्लियर, जितना करंट इलेक्ट्रॉनिक होगा उतना ही करंट होल की वजह से होगा, बराबर बराबर करंट होगा. ठीक हो गया, ये तो होगी नॉर्मल बात. अब करते हैं एन टाइप. एन टाइप के अंदर रूल नंबर वन, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पड़े हुए थे वो तो देखो है ही है इसमें, एक दो तीन चार पांच छह और सात, वो तो है ही है. इसमें क्या हो रखी है, डोपिंग. और डोपिंग भी कैसे हो रखी है, डोपिंग हो रखी है पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन वालों ने की हुई है. तो एक फालतू इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो डोपेंट ने एक इलेक्ट्रॉन तो फालतू कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है स्ट्रक्चर में. पॉइंट समझ में आ रहा है, वो जो फालतू इलेक्ट्रॉन है वो इनके साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि ये वो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड में पड़े हुए हैं, बॉन्ड में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनका एनर्जी लेवल तो इतना है. और जो आर्सेनिक वाला एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो है तो आर्सेनिक के अंदर ही घूम रहा है, एटम के अंदर घूम रहा है, फ्री भी नहीं है. अगर फ्री होता बिल्कुल ही फ्री टू मूव, फिर तो मैं इसको कहां रखता, कंडक्शन बैंड में. और अगर वो बिल्कुल बॉन्ड बनाए होता तो मैं कहां रखता उसे, वैलेंस बैंड में. अब ना तो वो वैलेंस बैंड में और ना तो उसने बॉन्ड बना रखा है, ना वो फ्री टू मूव है, पर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव भी है. हल्की सी एनर्जी लेते ही उसकी ये टेंशन तो है ही नहीं ना कि मेरे को बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तो बनाया ही नहीं उसने, तो इसीलिए उसकी प्लेसमेंट यहां कहीं की जाती है यहां पे. बस समझो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास, ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि अगर कंडक्शन बैंड के अंदर डाल दिया फिर तो फ्री फ्री है, फिर तो आर्सेनिक का भी हिस्सा नहीं रहा वो, लेकिन उसको इसमें डाल दिया फिर तो बॉन्ड वाला काम हो गया. तो उसका एनर्जी लेवल इनसे तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड बनाए हुए हैं उनसे तो बहुत ही ऊपर है, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं कि बस वो कभी भी फ्री टू मूव है. तो हल्की सी एनर्जी देती वो फ्री टू मूव हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कहाँ होता है, यहाँ होता है. क्लियर है यहाँ तक, ये रूल समझ में आ रहा है कि जब डोपिंग करते हैं और डोपेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है या डोनेट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक डोपेंट ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दो ने दो दिए, उनका एनर्जी लेवल इनसे बहुत ऊपर होता है और ऑलमोस्ट कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल्स के काफी करीब होता है. ठीक है यहां तक, ये करीब होता है. तो जो एनर्जी, ये पूरा डायग्राम एनर्जी लेवल्स का ही है. हमने एक डेफिनेशन की थी फर्मी लेवल. फर्मी लेवल वो एनर्जी लेवल है जो आखिरी एनर्जी लेवल है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है. अब अगर ये डोपेंट ना होते तो ये मेरा आखिरी एनर्जी लेवल था, ये मेरा फर्मी लेवल था, पर मेरा इलेक्ट्रॉन जाके कहां बैठ गया, ये रहा. तो मेरा फर्मी लेवल कहां पर है, ये मेरा फर्मी लेवल हो जाएगा. तो नॉर्मली इंट्रिंसिक में फर्मी लेवल वैलेंस बैंड में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं, लेकिन इसके अंदर फर्मी लेवल कहां हो जाएगा, डोपेंट की वजह से नियर टू द कंडक्शन बैंड हो जाएगा. और इस फर्मी लेवल का नाम, इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी स्टेट. डोनर एनर्जी स्टेट, फर्मी लेवल को क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी स्टेट. क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, पेपर में आएगा. डिस्कस करो एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल कहां पे चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आएगा डोनर एनर्जी स्टेट के ऊपर डायग्राम के साथ. फर्मी लेवल नहीं बोलना आप इसे, फर्मी लेवल का नया नाम है डोनर एनर्जी स्टेट. ठीक, तो ऐसे बोलेंगे, फर्मी लेवल शिफ्ट नियर टू द कंडक्शन बैंड एंड इज नोन एज डोनर एनर्जी स्टेट. बोलते फर्मी है एंड इज ऑल्सो नोन एज डोनर एनर्जी स्टेट. मतलब टीचर ये देखना चाहेगा कि आपको पता है कि नहीं पता, इसको डोनर एनर्जी स्टेट बोलते हैं. ठीक है यहां तक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक,
देखो अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर एनर्जी स्टेट बना, डोनर एनर्जी स्टेट, जो डोनर एनर्जी स्टेट है वो यहां पे शिफ्ट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट देखो, जब मैं इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ये इंपॉर्टेंट देखना, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो इसके इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चले गए, तो जितने होल्स नीचे उतने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर। पर जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मान लो ये तीन इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, एक दो और तीन, ये तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उनसे भी पहले कौन जाएगा, ये दो जाएंगे। अब कुल मिला के कितने हो गए, पांच इलेक्ट्रॉन्स। कितने होल्स हो गए यहां पर, तीन होल्स हो गए। सही है यहां तक? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, रादर बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल डेंसिटी, क्योंकि डोनर की वजह से बहुत इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी उनका अमाउंट कंडक्शन बैंड में बहुत हो जाता है एज कंपेयर टू होल्स इन वैलेंस बैंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यानी कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन्स का करंट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और होल्स का करंट का कंट्रीब्यूशन कम होगा। इसमें बराबर बराबर था, इसमें इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा और होल्स का कम होगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अमाउंट भी ज्यादा है। तो ये टेक्निकल टर्म बहुत यूज करेंगे हम पूरे इस 15 दिन के अंदर, जब तक चैप्टर चलेगा, कि इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर्स में होते हैं। मेजोरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी में कौन है, होल्स। तो अगले चैप्टर की स्टार्टिंग ही ऐसी होगी कि एज इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो, अगर लैंग्वेज यूज समझ में कब आएगी, जब ये पूरी कहानी क्लियर होगी, तो ये कहानी से लिंक हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कौन है इसमें, मेजोरिटी कैरियर है, और होल्स इसमें माइनॉरिटी कैरियर है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, इसीलिए इनका नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर कौन है इनमें, इलेक्ट्रॉन। तो सही नाम रखा, इसलिए नहीं कि ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। और यहां की बात करें, अगर ये वाली क्लियर होगी सिचुएशन, अब बात करते हैं किसकी, पी टाइप की। अब पी टाइप की क्या स्टोरी है, पी टाइप में ये इलेक्ट्रॉन जो सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये तो है ही है, ये तो है ही है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक ऐसा डोपेंट डालते हैं जो होल क्रिएट कर जाता है। अब होल कंडक्शन बैंड में तो नहीं होता, मतलब अगर मैं कहूं कि ये क्लास वैलेंस बैंड है, उस सामने कॉरिडोर जो है वो फॉर एनर्जी गैप है, और मार्केट में फ्री घूमना कंडक्शन, मतलब बेंच घूमेगा मार्केट में, नहीं, स्टूडेंट घूमेगा यार मार्केट में, तो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है उठ के, बेंच तो नहीं घूम, बेंच तो मेरी क्लास में छोड़ के जाओ यार, ये क्यों लेके जा रहे हो। तो यानी कि जो जो होल है वो एटम के अंदर ही रहेगा ना, होल थोड़ा हवा में बिना मतलब के घूमेगा। तो होल वैकेंसी हमेशा एटम के अंदर रहेगी, यानी कि होल हमेशा कहां पर रहेगा, वैलेंस बैंड के आसपास रहेगा। क्लियर है? अब क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया। एक्स्ट्रा होल ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा दी, देखा हमने। तो एक्स्ट्रा होल जो क्रिएट होता है इसमें, वो वैलेंस बैंड के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कौन सा, कोई इलेक्ट्रॉन उठ के गया है, डोपिंग की वजह से होल क्रिएट हुआ, तो वो जो एक्स्ट्रा होल है वो यहां क्रिएट होता है वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब जब यहां पर एक बेंच लगा दिया या होल लगा दिया, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे आके बैठ जाएगा तो उसका जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फायदा होगा। तो जो होल क्रिएट, अब इमेजिन करो, ये वो सिचुएशन है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो एक बेंच लगाना है, ये पूरा हॉल भरा पड़ा है, बेंच मैंने वो कॉरिडोर के वहां लगा दिया। अब देखो वो आखिरी इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, अच्छा अपने को तो फायदा हो गया यार, पीछे कुछ सीट नहीं थी, एक एक्स्ट्रा सीट बन गई, चलिए काम करते हैं, हल्की सी एनर्जी लेके, जंप तो नहीं कर सकते, उस सीट पे जाके बैठ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल, अब होल क्या है, पीछे आ गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई। चाहे मेरे क्लास के अंदर होल मूव किया, इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, अब एक्स्ट्रा बेंच आपके अंदर तो यहां लगाऊंगा नहीं, ऑलरेडी बेंच के बीच में बाहर ही लगाऊंगा ना, ऑलरेडी एनर्जी लेवल तो है ही है, ये बेंच तो पड़े हुए हैं, एक एक्स्ट्रा बेंच कहाँ लगेगा, आखिरी में लगेगा, बिल्कुल वैसी एक वैलेंस बैंड के थोड़ा बाहर लगेगा। तो ये डोपिंग की वजह से हुआ। अब सोचो, मैंने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया
तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन। अपनी जगह क्या छोड़ गए, होल्स। कितने होल्स हैं, पांच होल्स हैं और तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांच होल्स हैं तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके अंदर क्या मैं बोल सकता हूं कि होल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो होल करंट इसमें ज्यादा वैल्यू रखेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक करंट। होल का करंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट इसमें कम होगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए इसका नाम क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऐसा स्टेटमेंट बोला जाएगा कि एज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर इन मेजोरिटी कैरियर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर। तो ऐसी लैंग्वेज को हम यूज करेंगे अगले चैप्टर में, बट पॉइंट समझ में आ गया ये। और इस एनर्जी, ये जो फर्मी लेवल है, अब वो यहां जो यहां था वो यहां शिफ्ट हो गया। इस फर्मी लेवल का नाम दिया जाता है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो एक का नाम है डोनर, एक का नाम है एक्सेप्टर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। बस यही है इस चैप्टर में असली चीज समझने वाली, जो अगले चैप्टर का बेस बनेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज बेटर, एन टाइप या पी टाइप, एन टाइप, एन टाइप बेटर होता है। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको मूव करवाना ज्यादा आसान है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। होल्स पॉजिटिव चार्ज है, उनका मास ज्यादा होता है। ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आएगा, विच इज बेटर टू यूज, एन टाइप और पी टाइप, आंसर इज एन टाइप, ठीक है। तक तो नेक्स्ट, अब हम वापस चलते हैं। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिखाई थी, ठीक है, सारी थ्योरी कैसे पढ़नी है आपको पता भी तो होना चाहिए ना, क्या लिखा है कहीं किस जगह पे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो मैंने बता दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है जो कि पेंटावेलेंट एटम को डोपेंट डाल के बनाया जाएगा। पेंटावेलेंट में जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फरस या बिस्मथ, ठीक हो गया। फिर मैंने बताया कि चार चार इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो वो कंपैरेटिवली फ्री टू मूव रहेगा। फिर मैंने बताया कि इसमें इसके अंदर ये जो इसका नाम क्या है, एन टाइप या डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, डोनर टाइप या एन टाइप एक ही बात है। इसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर को इसने पूरे स्ट्रक्चर से समझाया कैसे बनता है, हमने कर लिया। फिर इसने एनर्जी लेवल से बनाया कि कैसे ये फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी स्टेट बोलते हैं। फिर उसके बाद फर्मी लेवल इन फॉरवर्ड गैप शिफ्ट वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, जिसको डोनर एनर्जी स्टेट बोलते हैं। फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट एटम के साथ बनता है, जैसे कि बोरोन, इंडियम या एल्यूमिनियम। फिर मैंने इसमें यह बताया कि तीन तो बॉन्ड बनाएंगे और एक क्या बना देगा, होल बना देगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, डेफिशिएंसी जो है ये होल कहलाती है, क्रिएट्स अ होल। इसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को इसमें या तो इसको एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं या इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर से मैंने समझाया होल क्रिएट होता है, एनर्जी लेवल से इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। फर्मी लेवल को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट, इस पे क्वेश्चन आता है एक्सेप्टर और डोनर के ऊपर, ठीक। और ये हमने अभी तक डिस्कस किया।